और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक का टाउनशिप को करारा झटका दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 11.2 हेक्टेयर सरकारी जमीन के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया है। आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। गाजियाबाद नगर निगम के पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र त्यागी की याचिका पर यह सुनवाई हुई और इस सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेरठ मंडल के कमिश्नर को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों को सुनने के बाद ही आगे कोई कदम उठाए जाएं। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन का पुनर्ग्रहण किसी प्राइवेट व्यक्ति या बिल्डर को सीधे या वाया प्राधिकरण हस्तांतरण करने को गलत प्रक्रिया करार दिया। आपको बता दें मेरठ मंडल कमिश्नर के आदेश पर गाजियाबाद के डूंडा हेड़ा गांव की 11.2 हेक्टेयर भूमि का जीडीए के नाम पुनर्ग्रहण किया गया था। इसके बाद ये जमीन क्रॉसिंग रिपब्लिक को हस्तांतरित कर दी गई। इससे पहले 2007 में क्रॉसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सीधे 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और बाद में कमिश्नर ने जीडीए के नाम इसका पुनर्ग्रहण किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 2000 रुपए में जमीनों का पुनर्ग्रहण 2009 में किया गया बिल्डर के लिए और जीडीए के लिए। उस समय में डूंडाहेड़ा में ही डीएम के सर्किल रेट 8000 से 12000 रुपए स्क्वायर मीटर थे। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी जमीनों की बंदर बांट का खेल और विकास प्राधिकरणों, नगर निगम और बिल्डरों के बीच, शासन बैठे लोगों के बीच खेला जा रहा है। बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर कौड़ियों के भाव सरकारी जमीनें प्राइवेट पार्टियों को और बिल्डरों को देने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने ये पीआईएल डाली थी, जिसमें हमें अभी तक सफलता मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय से जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक के निर्माणकर्ता बिल्डरों को झटका लगा है, वहीं जीडीए उत्तर प्रदेश शासन तथा मेरठ मंडल के आयुक्त की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि जीडीए और मेरठ मंडल के आयुक्त ने उसी जमीन का पुनर्ग्रहण करके बिल्डरों को सौंपने में जल्दबाजी दिखाई, जिसको लेकर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी नाराजगी जताते हुए उसको आदेश को निरस्त कर चुका था। सवाल यह भी उठता है कि आखिर अब अखिलेश सरकार उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व के निर्णय की भी अनदेखी की थी। प्रमोद शर्मा, समाचार प्लस, गाजियाबाद। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, यहाँ पर क्या कुछ खामियां, किस तरह की घपलाअंदाजी देखने को मिली है, कहाँ पर चूक कहाँ पर हुई है? जी अनुज जी, सबसे बड़ी चूक तो अनुज जी इसमें ये है कि जो सरकारी आदेश है, पहले से ये आदेश है कि किसी भी सरकारी जमीन का जो पुनर्ग्रहण आप करेंगे तो वो केवल सरकारी विभागों के लिए काम के लिए किया जाएगा, जिसमें खास सरकारी कोई काम है, सरकारी की कुछ आपके कोई योजना आनी है या कोई आपको कुछ ऐसा जन सुविधाएं देनी है उसके लिए उसका उपयोग हो सकता है। किसी भी दशा में सरकारी जमीन का प्राइवेट पार्टी के पक्ष में आप पुनर्ग्रहण नहीं कर सकते जी। तो सबसे पहले जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश निरस्त करने के बाद प्रमोद जी, क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप और साथ ही साथ जीडीए को कितना बड़ा झटका है? नहीं, जीडीए को इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो जमीन है, सरकारी जो जमीन है डूंडा हेड़ा में, जहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक का अपने क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप है, तो ये उस टाउनशिप के बीच की सरकारी जमीन है जो अब उसको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कमिश्नर पहले याचिकाकर्ता की आपत्तियों को सुने, और याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी जो सामाजिक कार्यकर्ता है और निगम पार्षद भी है गाजियाबाद के, उनका ये कहना है, उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि आखिर गाजियाबाद महानगर की आबादी बढ़ती जा रही है तो गाजियाबाद के लिए लोगों के लिए जो जन सुविधाएं चाहिए, नगर निगम के जो तमाम इनका जो स्टोरेज बनना है, वहां पर कम्युनिटी सेंटर बनना है, तो तमाम और चीज जो जी, तो ये वो कैसे पूरा होगा अगर सरकारी जमीन बिल्डरों को दे दी जाएगी? जी बिल्कुल प्रमोद शर्मा जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आपको दिखाई देती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई बनती है क्या? नहीं, इसमें अब आगे ये है कि अब देखना ये है कि अब इसमें मेरठ मंडल का आयोग या शासन क्या निर्णय लेता है, क्योंकि जो बिल्डर हैं ये सभी बड़े बिल्डर हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक से जुड़े जितने भी हैं बड़े बिल्डर, इनका दबाव रहेगा जाहिर सी बात है शासन पर कि किसी तरह ये जमीन मिल जाए। लेकिन अब हमको लगता नहीं है कि हाईकोर्ट के दो बार की फटकार के बाद
ये शासन इस मामले में कोई बहुत इनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप की अगर बात की जाए तो क्या आगे जो इससे उच्च कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर किसी तरह की कोई अपील इस मसले को लेकर हो सकती है? हाँ, इसमें चाहे तो ये क्रॉसिंग वाले जा सकते हैं, ये कह सकते हैं भी हमने इतनी बड़ी टाउनशिप लाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड सिटी टाउनशिप लाए हैं, तो ये बीच की सरकारी जमीन छूट रही है उसी टाउनशिप की में हमको आवश्यकता है, तो इस मुद्दे को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका रास्ता खुला है। अभी तो हाईकोर्ट ने अभी कमिश्नर को ये आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से उनकी आपत्तियां सुने और उसके बाद आगे कोई कार्रवाई करें। चलिए प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला।